हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और रिव्यू करूंगा KTM 1290 सुपर ड्यूक आर। इस बाइक को मैंने इसीलिए मंगाया था कि गाइस मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो सोचा कि पहले मैं आपको ये अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा और मैं जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स भी आपको बता दूंगा। तो गाइस आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा इस वीडियो के अंदर मैंने एक रिमोट भी लिया है और एक फ्लाइंग बाइक भी ली है। इस फ्लाइंग बाइक की वीडियो आपने ऑलरेडी देख ली होगी गाइस मेरे चैनल पर। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। तो गाइस वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है, क्योंकि मैं एक धमाकेदार प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। पहले हम लोग ये बाइक की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं इस बाइक की क्वालिटी कैसी है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस बाइक को मैंने कहाँ से खरीदा है। ये देख सकते हो, इसे मैंने खरीदा था 18 दिसंबर को। इसका प्राइस है 1295। इसे मैंने खरीदा था अमेजोन से। आप भी अगर इस बाइक को खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर आप इस बाइक को खरीद भी सकते हो। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ मैं कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर ये रिमोट और ये फ्लाइंग बाइक क्यों ली है। तो पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। दोस्तों आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। तो इस तरह के पैकिंग में मिल जाती है हमें बाइक, पूरी तरीके से पैक है पीछे से भी और सामने से भी, बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग है इसकी। तो ऊपर वाला प्लास्टिक निकाल लेते हैं और हमारी चमचमाती हुई सुपर ड्यूक 1290 को भी निकाल लेते हैं यहाँ से। इस डिब्बे को रख देते हैं साइड में। तो बाइक देख लेते हैं गाइस, पहले काफी वेट है यार इस बाइक का, क्योंकि ये बाइक पूरी तरीके से मेटल और प्लास्टिक की बनी हुई है। यहाँ पर इसका जो फ्यूल टैंक है पूरी तरीके से मेटल का है, आप सुन सकते हो गाइस मेटल की साउंड आ रही है यहाँ से। बाकी जो पार्ट्स है सारे के सारे प्लास्टिक के बने हुए हैं, इसके टायर जो है रबर के बने हुए हैं। तो पहले मैं आपको डिटेल में बाइक बता देता हूँ, उसके बाद में प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे गाइस। तो काफ़ी ज़बरदस्त डिटेलिंग दी गई है इस बाइक के अंदर, बिल्कुल ओरिजिनल बाइक जैसी लग रही है, देख सकते हो गाइस। ओ माई गॉड, यहाँ पर भी देख सकते हो जैसे ओरिजिनल 1290 बाइक को होता है उसी तरह का डिज़ाइन भी दिया गया है। यहाँ पर 1290 बोलकर लिखा हुआ है, पीछे वाले इंडिकेटर्स देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त डिटेलिंग है इस बाइक के अंदर। यहाँ पर है इसका साइलेंसर, तो इसका फ्रेम देख सकते हो गाइस, बिल्कुल डिट टू डिट कलर दिया गया है। इसका इंजन भी नज़र आ रहा है अंदर से, यहाँ पे लिखा है KTM। इस बाइक का डिज़ाइन पूरी तरीके से एरोडायनामिक है गाइस, तो सामने की ओर से भी देख सकते हो। यार इस बाइक के अंदर मुझे सबसे अच्छी बात इसकी हेडलाइट लगती है, बड़ा ही कमाल का डिज़ाइन है इस हेडलाइट का, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस सामने भी इंडिकेटर्स दिए गए हैं। यहाँ पर इसका स्पीडोमीटर भी बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है और इसका हैंडल भी टर्न होता है इस तरह से, आप देख सकते हो। ब्रेक लीवर्स है, वाह भाई कमाल की डिटेलिंग है यार। यहाँ पे है इसका डिस्क ब्रेक, ओ टायर घूमता भी है इसका, काफ़ी फ्री घूम रहा है। यहाँ पर देख सकते हो गाइस एक मोनो शॉक ऑब्जर्वर भी लगा हुआ है यहाँ पर, ओहो काम भी कर रहा है यार, काफी जबरदस्त है। और यहाँ पर इसका स्टैंड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो इतना छोटा सा स्टैंड लगाया यार इन लोगों ने, और बहुत ही मस्त क्वालिटी लगी मुझे इसकी। तो यहाँ पर बाइक को हमारा खड़ा करके भी देखते हैं ठहरती है कि नहीं। ओ भाई बहुत ही अच्छी तरीके से ठहर रही है बाइक, क्वालिटी के बारे में तो मैं क्या ही बताऊंगा, इस एकदम ऑसम क्वालिटी है इसकी। सामने वाला टायर भी आप देख सकते हो कितना फ्री घूम रहा है। यहाँ पे इसका डिस्क ब्रेक, सामने वाला शॉक ऑब्जर्वर काम करता है कि नहीं देखते हैं, काम तो नहीं कर रहा है। तो मिरर्स भी देख सकते हो गाइस, ओ माय गॉड मिरर के अंदर नजर भी आ रहा है हमें, वाह भाई। सीट तो पूरी की पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है, यहाँ पर बिल्कुल भी कुशन नहीं यूज़ किया गया है। काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है इस बाइक की। तो मैंने मेरे प्रोजेक्ट का नाम रखा है सुपर फ्लाइंग ड्यूक। हाँ दोस्तों,
जिसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है, इसका फ्लाइट कंट्रोलर, इसके प्रोपेलर्स, इसका फ्रेम, मैं सारी चीजें इसके अंदर से निकाल कर इस बाइक पर फिट करने वाला हूं। तो गाइस मुझे ये काम करने में शायद 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट मैं करने वाला हूँ बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट है गाइस, क्योंकि आपको पता ही होगा ये बाइक पूरी तरीके से प्लास्टिक की बनी हुई है। इसका वेट है सिर्फ 100 ग्राम्स। ये बाइक काफी ज्यादा बड़ी भी है और काफी ज्यादा वेट भी है इसका। इस वजह से इस बाइक को फ्लाई करा पाना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। इम्पॉसिबल तो नहीं है गाइस, मुश्किल होगा, पर इस बाइक को फ्लाई कराने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने कुछ डिफरेंट साइज के प्रोपेलर्स भी मंगवाए हैं इसके ऊपर फिट करके इसे टेस्ट करने के लिए। ये जो रिमोट है, ये रिमोट भी इस फ्लाइंग बाइक का ही है गाइस। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी बनाकर आप लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लाने के लिए। तो ये थी गाइस मेरे प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो आज की वीडियो में हम एक और चीज करने वाले हैं। इस तरह की बाइक हमें GTA 5 गेम के अंदर भी मिल जाती है, तो उस बाइक का गेम प्ले भी मैं आपको करके बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, उसके बाद मैं आपको दूंगा शाउट आउट।
तो माय डियर दोस्तों, आपको मेरा गेम प्ले कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, और आपको ये बाइक कैसी लगी, इसकी क्वालिटी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और दोस्तों, मैं जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट का आइडिया आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए अभी हम दे देते हैं शॉर्ट आउट। कल मैंने दो वीडियोस डाली थी, एक थी वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन्स के बारे में, दूसरी वीडियो थी फिंगर बास्केटबॉल गेम के बारे में। दोनों ही वीडियो आपने नहीं देखे तो जाकर देख सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आ जाता है सुमन, कुणाल, अफरोज, आकाश, MD इमाद, कृष्णा दीक्षित, त्रिसंजीत साहा, आदर्श एस नायर, अनीसुर रहमान, महेश मानवंत, नीव मेहता, रयान शाहिद, अभिनव, वैभव श्रीवास्तवा, समर कुमार, प्रीति पंतुल। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर भी कर देना। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है खत्म, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।